नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं इस समय ग्राम पंचायत मिनी सचिवालय में इस समय मौजूद हूं, जहां पर रामलीला मंच है। यहां पर 24 अगस्त को ठेकला की ढाणी में एक व्यापारी शाम के समय 9 बजे के समय घर जाता है। उस समय कुछ हमलावर उन पर हमला कर देते हैं और 1.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर वो फरार हो जाते हैं। उसको लेकर यहाँ गत 2 दिनों से रामलीला मंच पर धरना प्रदर्शन ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। व्यापारियों का भी इसको समर्थन है, नेता लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं। धरना अभी समाप्त नहीं हुआ है, लगातार 2 दिनों से दूसरा दिन आज ये धरने का है। हम ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार क्या है इनकी मांग और जो घटना हुई है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम मुकेश गोठवाल। मुकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके से जो घटना हुई थी, दूसरा दिन आज धरने का, नेता लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं, क्या समझते हैं, अभी अपराधी पकड़ में आएंगे? अभी देखो, कल आज दूसरे दिन लगातार धरना जारी है। कल DSP साहब कह के गए थे कि मुझे 4 दिन का टाइम चाहिए और 4 दिन में मैं अपराधियों को हम पकड़ लेंगे, लेकिन हम फिर भी नहीं माने। हमारा धरना लगातार जारी रहेगा जब तक अपराधी गिरफ्त में नहीं होंगे। इन लोगों का मानना है कि जब तक अपराधी जो हमलावर हैं हंसराज गुर्जर पर, जिन लोगों ने हमला किया था, जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाएं, तब तक इन लोगों का धरना जारी है। हमारे साथ युवा नेता राकेश दायमा भी हैं। राकेश जी, लगातार आप क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं काफी समय से, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पुलिस की जो कार्यशैली है उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? 2 दिन बीत चुके हैं, दूसरा दिन धरने का है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से बांसो नारायणपुर में अपराधी घटनाएं हो रही हैं, मैं तो समझता हूँ शासन प्रशासन में जो बैठे हैं लोग, नारायणपुर की पुलिस की लापरवाही है। और जो पिछले 2 दिन पहले नारायणपुर में जो जघन्य अपराध हुआ उसको देख के तो हर नारायणपुर में व्यापारी भयभीत है और सभी ग्रामवासी। इसी वजह से कल निर्णय लिया कि जब तक इस जघन्य अपराध के जो अपराधी हैं मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। और ये धरना जब तक जारी रहेगा जब तक मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो, सलाखों के पीछे नहीं होंगे। लगातार नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या लगता है यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है नेताओं के द्वारा? देखो, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये क्षेत्र का एक आम आदमी का मुद्दा है, एक आम व्यापारी का है, जिसका बच्चा बाजार में आता है। यहाँ सामान्य ग्रामीण कृषि से जुड़े हुए लोग हैं आसपास में, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अपने बाहुबल हैं, जो अपने कोई दबंग आदमी रखते हो या बॉडीगार्ड रखते हो, गार्ड रख सकता है, कोई सामान्य परिवार से लोग बाजार में आते हैं। और मैं समझता हूँ उनके लिए जीवन यापन करने के लिए रोज बाजार में आना जाना पड़ता है, उनको ये रोज समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये व्यापारियों ने, ग्रामीणों ने खुद ने डिसीजन लिया है, ये किसी पार्टी का किसी नेताओं के भरोसे नहीं बैठे, ये सिर्फ अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं कि जब तक हमारे दोषी जो अंसाज के साथ उन्होंने किया, कल हमारे साथ भी कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। क्या लगता है अभी आपकी जैसे कि DSP या फिर पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई हो, तो जो हमलावर हैं अपराधी हैं वो पकड़ में आए हैं नहीं, क्या बात हो पाई है पुलिस प्रशासन? अभी DSP साहब से बात हुई थी, वो कह रहे हैं 5-10 लोगों को गिरफ्तार किया है, पर मुख्य अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं है और पुलिस ने अभी तक कोई पुख्ता पुष्टि भी नहीं करी हमारे को। वैसे ही एक तरीके से सूत्रों से पता लग रहा है कुछ 6 गिरफ्तार हुए 7 हुए हैं, पर अभी तक पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं करी है। हम पुलिस के आला अधिकारी हमारे को जब तक संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं देंगे और पुष्टि नहीं करेंगे कि मुख्य अभियुक्त ये हैं, उन्होंने अंजाम दिया है, जब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से ग्रामीण और लोग यहाँ एकत्रित हैं, जब तक अपराधी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाए, उनको पकड़ ना ले, तब तक ये लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हंसराज गुर्जर हैं, उनके परिवार वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। वो इस समय बहुत ही मुसीबत की समस्या इस समय उनके लिए बनी हुई है, हॉस्पिटलाइज वो है जयपुर में, इस समय भर्ती है, क्या स्थिति है उनकी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। पप्पू जी, जिस तरीके से जो दुखद घटना हुई है अपने क्षेत्र में, पहली शायद इस तरीके की घटना हुई है, चाकू से आंख पर आंख में मारना और आंख बाहर निकलना, और एक तरीके से खत्म हो गई आंख, उनकी जिंदगी खत्म हो गई एक तरीके से, तो कैसी है हंसराज की स्थिति इस समय? समय ज्यादा गंभीर है जो जयपुर है, एक आंख तो खत्म हो चुकी, एक पग एक हाथ, और जो भी 4 बंदे है ना जितना जिसको कड़ी कड़ी सजा चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो परिजन है, इनकी मांग है कि जो अपराधी हैं उनकी कोई जात नहीं होती है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बाबा, लगातार 2 दिनों से आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या है आपकी मांग, क्या होना चाहिए? साहब, हंसराज नहीं ठीक हो क्या है, अवगत रहे प्रशासन पड़ा रहे, हम नहीं छोड़ेंगे पीछे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन। आप देख सकते हैं बुजुर्ग लोग हैं, इनका स्पष्ट कहना है कि हंसराज को न्याय दिलाकर रहेंगे ये लोग, चाहे
5 दिन लगे, 10 दिन लगे, कितने भी दिन लगे, जब तक हमलावर सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। लगातार हमारे साथ लोग मौजूद हैं। अशोक जी, जिस तरीके से जो क्षेत्र में बानसूर पहले अपराधियों का गढ़ माना जाता था, वहाँ बहुत ज्यादा गोलीबारी होती थी, लेकिन नारायणपुर भी अब धीरे धीरे उस तरीके से होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा यहाँ नारायणपुर में ऐसा नहीं होने देंगे। और कल डीएसपी साहब यहाँ पे आए भी थे, हमने उनका इसीलिए विरोध किया था, यहाँ का प्रशासन बिल्कुल नामिराद हो चुका है। और अब जैसे उन्होंने कहा कि 4 दिन के लिए आप शांति बनाए रखें, तो 4 दिन यहाँ पे शांति से धरना चलेगा, और अगर प्रशासन नहीं सुनता यहाँ पे आकर हमारी, तो 4 दिन के बाद में उग्र आंदोलन होगा, ये रोड भी जाम होगा, सब हम सड़क पे बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं युवा इस तरीके से, जिस तरीके से जो घटना यहाँ हुई है, ये कह रहे हैं स्पष्ट, इनका कहना है कि बानसूर यहाँ नहीं बढ़ने देंगे, नारायणपुर को बानसूर की तरह नहीं बढ़ने देंगे, युवा अभी यहाँ जिंदा है। बुजुर्ग लोग भी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं लगातार 2 दिनों से। क्या नाम है बाबा आपका? रामचंद्र। बाबा, जिस तरीके से शायद आपकी उम्र लगभग 70-75 के समथिंग होगी, आपने कभी देखी ऐसी घटना चाकू से आंखों? ना, मैंने नहीं देखी। अभी मुझे अन्याय, ऐसे अन्याय का देखो, देखे आंख में चाकू जाने। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन 2 दिन हो गए अपराधियों का अभी तक नहीं पकड़ पाई है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में जल्द धरना जल्दी उठेगा, जल्दी आप पकड़ा जाएंगे ना, जल्दी चाहे रोड भी जाम करनी पड़े। तो आप देख सकते हैं बुजुर्ग भी पूर्ण रूप से तैयार हैं कि जब तक ये अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ये यहाँ पर धरने पर लगातार मौजूद हैं। और इनका कहना है कि अगर 4 दिन का पुलिस प्रशासन, डीएसपी साहब सुनील जाखड़ जी ने 4 दिन का समय धरनार्थियों को दिया था कि 4 दिन में हम अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल देंगे, उनको पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक देखते हैं कहां तक पुलिस पहुंची है। 4 दिन बाद इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि हमको चाहिए सड़क को जाम करना पड़े, आंदोलन उग्र करना पड़े, युवा और बुजुर्ग सब तैयार हैं, क्योंकि बानसूर यहाँ नहीं बढ़ने देंगे नारायणपुर को, इस तरीके से इन लोगों का कहना है। लगातार युवा बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार इनकी राय आप तक पहुंचा रहे हैं, हम इस समय धरना स्थल पर मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं नारायणपुर से भीम आर्मी से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। भीम आर्मी भी काफी संघर्ष करती है, जिस तरीके से नारायणपुर में जो आंख में चाकू मारना, 1.5 लाख रुपए लूट कर ले जाना, इस तरीके की घटना हो रही है क्षेत्र में, क्या कहेंगे इस बारे में आप? इस बारे में ये कहेंगे कि ये जो घटना है इसकी पूरी भीम आर्मी की टीम बड़ी कड़ी शब्दों में निंदा करता है, और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए हमारे क्षेत्र में, पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन अब भीम आर्मी भाई हंसराज जी के साथ खड़ी हुई है, और अभी टाइम दे रखा है, कल तक का टाइम है, अगर कल तक प्रशासन अगर उनको गिरफ्तार कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो परसों के दिन इस नारायणपुर में एक नीली क्रांति आएगी, और जो नीली क्रांति आने के बाद और इसका अंजाम पुलिस प्रशासन को देखने का मिलेगा। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके 4 दिन का समय यहाँ के लोगों ने दिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरीके तो नहीं लगता है कि कोई बेगुनाह कोई आरोपी बन जाए पुलिस दबाव में, किसी ना किसी अलग किसी दूसरे को बना दे यहाँ पर, तो समय और देना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को? पुलिस प्रशासन को समय तो दे चुके हैं हम ऑलरेडी, बेगुनाह का किसी बेगुनाह को हम फंसाना नहीं चाहते, जो असली गुनाहगार है उसी को पुलिस पकड़े और गिरफ्तार करे, ये हमारी मांग है, क्योंकि भीम आर्मी कभी भी बेगुनाहगारों को सजा नहीं दी है, और भीम आर्मी भाई हंसराज जी के प्रॉपर तरीके से कंधे मिला के खड़ी हुई है, और जैसा हमें आदेश मिलेगा वैसा हम अगर कल तक की डेट में अगर गिरफ्तार होते तो ठीक है, नहीं तो परसों नारायणपुर के अंदर एक बहुत बड़ी आक्रोश रैली करेंगे, और जो भी होगा कमेटी के द्वारा उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं युवा इस समय ललकार रहा है, जिस तरीके से घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पहले दिन नारायणपुर के व्यापारियों ने भी काफी बड़ा सहयोग किया था, पूरा नारायणपुर संपूर्ण रूप से बंद था, सुबह से लेकर और शाम तक बंद था, और कोई बेगुनाह इस घटना में ना फंसे, समय काफी दिया है यहाँ के ग्रामीणों ने, 4 दिन का समय दिया है, उन लोगों का कहना है कि कोई बेगुनाह भी इसमें आरोपी ना बने, इसलिए पुलिस भी उसको फूंक फूंक के पैर रखे, और जो आरोपी है उनको ही सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहेंगे ग्रामीण। हमारे साथ बानसूर डीएसपी सुनील जाखड़ जी हैं, लगातार 2 दिन से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, जिस तरीके से क्षेत्र में जो लूटपाट की जो घटना हुई है, हम जानने का प्रयास करेंगे डीएसपी साहब से कि पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर पाई है और कहां तक पहुंच पाई है सलाखों अपराधियों को पकड़ने में। इस प्रकरण में अभी हम सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी आधार पर जांच कर उसमें कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे अनुसंधान कर रहे हैं,
कुछ लोगों को हमने पहचान भी की है, डिटेन भी किया है, उनसे पूछताछ और उसमें अग्रिम अनुसंधान की कार्रवाई लगातार जारी है। सर, जिस तरीके से दो दिन से जो ग्रामीण है वो धरने पर बैठे हुए हैं, नेता लोग भी यहाँ धरने पर पहुंचे हैं, पुलिस जरूर जैसे धरना वगैरह होता है तो दबाव में आ जाती है इस तरीके से, तो क्या लग रहा है आपको कि सही तरीके से हो पा रही है कार्रवाई जिस तरीके से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं? इस तरह के धरने प्रदर्शन से इससे क्या है, पुलिस का और हमारा जो काम है उसमें ध्यान भटकाने वाली बात आ जाती है। हम हमारी जो कड़ी है उससे हम हमारे काम पे ध्यान दे रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है आरोपियों को पकड़ न्यायालय पेश करना और उन्हें अधिक से अधिक सजा दिलवाना। आपके द्वारा जब धरनार्थी वहां बैठे हुए थे, ग्रामीण वहां बैठे हुए थे, 4 दिन का समय दिया था, 2 दिन का समय अब आपके पास बचा है, क्या लग रहा है पुलिस पकड़ पाएगी आरोपियों को? बिल्कुल निश्चित पकड़ पाएगी, हम लगातार उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और शीघ्र ही हम अपराधियों को पकड़ के और पेश न्यायालय कर देंगे। ग्रामीण जिस तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं लगातार, तो क्या उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि धरने पर अगर मेरी नजर में तो मुझे तो इस तरह का कोई वो है भी नहीं, और चूंकि मेरी जो नेता जो यहाँ पे हैं सभी उनसे भी चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा कि आप अपना काम कीजिए, इस तरह की कोई बात मेरे सामने नहीं है। तो ये थे बांसुर डीवाईएसपी सुनील जाखड़ जी, ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो लोग धरना दे रहे हैं उससे इनके संज्ञान में ये जो मामला है धरने का ये इनके संज्ञान में नहीं है। पुलिस लगातार जो आरोपियों को पकड़ने का जो कार्य कर रही है, दबिश दे रही है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी लगातार क्षेत्र में खंगाल रही है, और इनको विश्वास है, इन्होंने कहा है कि जल्द पुलिस है वो आरोपियों को पकड़ने में कामयाब होगी। कैमरामैन मुरारीलाल मीणा के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।